अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक मोटर को ऑटो और मैनुअल किस तरीके से चलाया जाता है। डिजिटल टाइमर है, कंडक्टर है, अर्थ ब्रेकर है, से एमसीबी ब्रेकर है और पुश बटन है और एक मोटर है। इसके कनेक्शन आपको आज करके दिखाएंगे। अगर मैं चैनल पर न्यू हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे इसमें न्यूट्रल फेस को ऐड कर लेंगे, इस तरीके से न्यूट्रल फेस को ऐड कर लेंगे। उनके बाद एमसीबी से हम एक वायर निकाल के अर्थ ब्रेकर के नीचे वाले पॉइंट्स में लगाएंगे। न्यूट्रल फेस को अर्थ ब्रेकर के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है भाई? इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें आरसीबी से अर्थ ब्रेकर से हम निकाल के कनेक्टर में न्यूट्रल फेस को ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से आपने न्यूट्रल फेस को कनेक्टर में ऐड कर लेना है, ठीक है भाई? ऐड करने के बाद तरीका का बता दूं, यहाँ से न्यूट्रल निकली और गई डिजिटल टाइमर में, टाइमर के इस वाले पॉइंट में गई, वहाँ से कंडक्टर के नीचे वाले पॉइंट में ऊपर से घूम के कंडक्टर के इस वाले पॉइंट में कनेक्ट हो गई। इसके बाद हम मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं। मोटर में न्यूट्रल फेस यहाँ से ऐड कर दिया है, ठीक है भाई? और उसके बाद हम इसे टाइमर के कनेक्शन डिजिटल टाइमर के कनेक्शन कर लेते हैं। किस तरीके से करने हैं आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम एक वायर जैसे लेंगे और पुश बटन में लगाएंगे, ठीक है? एक फेस वाली वायर लेके पुश बटन के दरमियान वाले पॉइंट में लगा दी। उसके बाद हम इस टाइमर के कनेक्शन करेंगे। टाइमर से के इस वाले पॉइंट से ब्लू कलर की वायर लेके पुश बटन के एक वाले पॉइंट में लगानी है, एक नंबर वाले पॉइंट में लगा देनी है कुछ इस तरीके से। और टाइमर के नीचे वाले दरमियान वाले टाइमर से एक वायर लगा के इसमें कनेक्ट कर देनी है कुछ इस तरीके से। हमने ये वायर भी कनेक्ट कर देनी है। तो एक बार हम इधर से रेड कलर की लेके पुश बटन के इस वाले पॉइंट में लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक हमने लगा देनी है और टाइमर का ये जो पॉइंट बचा है उससे कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। हमने कनेक्ट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।